दोस्तों कुछ लोग ये बोलते कि मैं मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, तो मैं बोलूँ मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं उनके काम को सपोर्ट करती हूँ। जो वो काम करते हैं मैं उनको उनके लिए अच्छे बात वो अच्छी बोलती हूँ, और मैं उनको किसी को पर्सनल में सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनली हम किसी को जानते नहीं, किसी से कोई रिश्ता हमारा नहीं है, तो हम उनके काम को देख के उनकी तारीफ़ करते हैं। जो सच्चा है उसको सच्चा बोलते, जो झूठा है वो झूठ बोलती हूँ मैं, और जो काम वो अच्छा करते हैं उनको तारीफ़ करती हूँ। तो आज ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेचर क्या है। आज मैं वैक्सीन लगाने गई थी कोविड का, तो सब कुछ सही लगा मुझे, एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। इस जो पेपर मिला था मुझे उसमें मोदी जी का पीक है, ये चीज़ मुझे बुरा लगा। आप सोचिए क्यों बुरा लगा, देखिए 2 साल पहले जब कोरोना हमारे देश में आए थे, सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सब पैसे वाले लोग घर के अंदर छुप गए थे, कोई नहीं निकला था कोरोना का डर से। सिर्फ उस टाइम हमारे देश में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, हमारे स्वीपर जो कूड़े लेते हैं, ये लोग ही अपने जान को जोखिम में डाल के वो निकलते थे उस टाइम। तो मैं मोदी जी से ये बोलूं कि मोदी जी, अगर आपके पीक की जगह यहाँ पे डॉक्टर, नर्स और स्वीपर के पीक का आप अगर एक अच्छी तरह से एडिट करके इसमें लगाते, तो इसमें आपके वो लोग बहुत तारीफ़ करते। वो इसीलिए तारीफ़ करते क्योंकि इस वैक्सीन के जिसमें आपका पीक है ना, इसमें आपका पीक नहीं होना चाहिए था, उन लोगों का पीक होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम से वो लोग ही थे जो अपने जान के जोखिम में लगे कि लाखों लोगों की जान बचाए हैं। यहाँ तक कि इसके चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर नर्स अपने जान गंवा दिए हैं। तो मोदी जी ये काम आपने अच्छा नहीं किए हैं, हो सके हमारी ये बात लोगों को बुरा लगे, पर मुझे ये चीज़ बुरा लगा तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पीक नहीं होता, डॉक्टर नर्सों का पीक होना जो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर से ये चीज़ रिलेटिव था, वैक्सीन वो बनाए थे, आपने नहीं बनाए थे। इसमें अगर आपने थोड़ी सी समझदारी के साथ, हर जगह आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आप अच्छे काम किए, हाँ क्रेडिट के लायक आप है क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, पर इस काम के लिए मैं आपको थैंक्स नहीं बोलूँगी, मेरे दिल पे थोड़ा दुख पहुँचा है।